देखने के बाद, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर ट्रैवल वीडियोस देखने के बाद, अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप चाहते हैं आप अपनी फैमिली या सोलो ट्रैवल करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो किस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए ट्रैवल की, या किस तरह से बुकिंग करनी चाहिए, यू डोंट हैव एनी आइडिया कैसे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो हर वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, फ्रॉम बुकिंग द ट्रेन टिकट, फ्रॉम बुकिंग द टूर पैकेज, टिल पूरा बजट वगैरह, कॉस्टिंग कितना आया, ट्रैवल एक्सपेंस कितना हुआ हमारा, आने तक का पूरा टोटल एक्सपेंडिचर मैं आपको बता दूंगा हर एक कश्मीर के ट्रैवल ब्लॉग्स के एंड में। तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिए एंड तक और जानकारी प्राप्त कीजिए, और कैसा लगा आपको मेरे ये वीडियोस ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि लोगों को भी पता चले जम्मू एंड कश्मीर कितना खूबसूरत है। जस्ट एन अपडेट, अभी हम पहुँचे हैं वडोदरा जंक्शन, बज रहे हैं 4:50। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:45 और हम अहमदाबाद जंक्शन पे, हमारी गाड़ी रुकी हुई है। राजस्थान के थ्रू ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, जम्मू जा रहा हूँ, इतनी ब्यूटीफुल व्यूज़ है, मैं तो खुद ताजुब हो रहा है मुझे। यहाँ की सॉइल जो है एकदम गर्मी के कारण सूखी जो होती है, उसमें इतनी हरियाली कैसे आ रही है। पंजाब के थ्रू भी जा रही है, लुधियाना स्टेशन में आएगी, और अभी मैं
लैपटॉप कोच में बैठ के अपना काम कर रही हूँ, नीचे वाले कोच में मेरी फैमिली बैठी। तो गाइस जो कूप कैबिन होता है, कपल कैबिन जो सिर्फ दो ही लोगों के लिए होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। हम ये ट्रेन जो पहुंचने वाली है जम्मू हमारी, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 PM। सो अभी ट्रेन में बहुत ही कम लोग हैं, तो ये कूप कैबिन भी खाली हो चुका है। तो हम जस्ट आए थे कूप कैबिन देखने कैसा होता है। इसका बेड का विड्थ जो है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल कैबिन के बेडों से, और इसका मिरर भी जो है ना इतना ना बड़ा है, 3 feet by 2 feet 6 inches का है। और एक इधर भी मिरर दिया हुआ है, स्विच बोर्ड्स दिए हुए हैं, बेल बटन दिया हुआ है, सब बाकी सब वैसा ही है। लाइट्स दी हुई है, एलईडी लाइट्स दी हुई है, स्टेप्स दिए हुए हैं ऊपर जाने के लिए, और हुक दिए हुए हैं, बॉटल होल्डर दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है चढ़ने के लिए, और एसी के वेंट्स हैं, दो एसी के वेंट्स हैं। हाँ, मगर इसमें फ्रेश एयर इनलेट डक्ट सिर्फ उधर है, वहाँ पर फ्रेश एयर इनलेट डक्ट बहुत बड़ा था इस तरफ पे, जहाँ हमारा कैबिन था इसके बाजू में था।